अहमदाबाद टेस्ट मैच की अगर बात की जाए तो अभी भी चीज़ें फंसी हुई हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये प्योर बैटिंग पिच है जहां पर 2 दिन तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का दबदबा रहा। तो तीसरे दिन भारत ने मैच 3 विकेट खोए और अपने जो ओवरनाइट स्कोर था 36 रन उसमें 262 रन ओवर ऐड कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर अगर इंडिया की सिचुएशन अभी देखी जाए तो इंडिया की सिचुएशन हम उतनी बढ़िया नहीं कह सकते जितनी ऑस्ट्रेलिया अभी फील कर रहा होगा ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी ऑलमोस्ट 200 रन की लीड है और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जो बॉलिंग अटैक है वो कभी भी कम बैक कर सकता है। अगर इंडिया को 100 रन भी चाहिए होते ना तो तब भी इंडिया सेफ नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो बढ़िया परफॉर्मेंस देती है तो बाद में जो हमारा टैलेंडर है, हमारी टैलेंडर नहीं किसी भी टीम के टैलेंडर्स कोलैप्स हो सकते हैं। जी हाँ, कई बार इस ब्रॉडकास्ट ट्रॉफी में भी आपने देखा है इंडियन जो टैलेंडर्स है खासकर ऑस्ट्रेलियन टैलेंडर्स तो बिल्कुल फ्लॉप ही रहे हैं कभी भी आप लगा लीजिए। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक एडवांटेज है, और एडवांटेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी 200 रन आगे है भारत के, और अगर इंडिया कहीं 100 या 120 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया को दे देता है, यानी कि इंडिया अगर कल जल्दी सिमट जाता है तब ऑस्ट्रेलिया कोशिश करेगा कि अपने रन रेट को थोड़ा हेल्थी रख के बैटिंग करे, 2-2.5 सेशन खेले और लास्ट का दिन यानी 5वां दिन इंडिया को खिलाए। और 5वें दिन वैसे प्रेशर रहता है, और ये तो वैसे भी नॉकआउट गेम है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होना है उसमें पहुंचने के लिए इंडिया को एक जीत की ज़रूरत है, और ये जीत इंडिया चाहता है कि यहाँ पे मिले अहमदाबाद टेस्ट मैच से। और अगर जो रियलिस्टिक सिचुएशन है तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिलेगी या इंडिया को जीत मिलेगी, लेकिन अगर जैसा मैंने बताया इंडिया अगर जल्दी से आउट हो जाता है कल तो एडवांटेज जो है मोमेंटम जो है वो प्योरली एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला जाएगा। हालांकि अभी भी मोमेंटम हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फेवर में ही है, लेकिन जिस तरीके से डोमिनेटिंग बैटिंग दिखाई है इंडिया ने तो अभी भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज सोच रहे होंगे यार किस तरीके से कैसे तिकड़म लगाया जाए, कैसे इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया जाए। जड्डू जहाँ पर मतलब रन इतने नहीं बना रहे हैं जितना वो बनाते हैं, अपना जो उनका स्ट्राइक रेट है उसको थोड़ा नीचे रखे अब बस खेले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ने 50 लगाई है और अभी भी नॉट आउट हैं। तो ऑस्ट्रेलियन बैट जो बॉलर यूनिट है बॉलिंग यूनिट है वो सोच रही होगी यार कैसे तैसे इनको आउट करके कम से कम बस 100 रन की लीड मिल जाए, और इंडिया सोच रहा होगा कि 2 सेशन खेलेंगे और ये लीड ब्रेक करेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होगा न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच का। जी हाँ, अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच की बात की जाए तो वहाँ पे भी 3 दिन का खेल ख़त्म हो चुका है, और 3 दिन के खेल ख़त्म होने तक श्रीलंका की टीम 65 रन आगे है, जो इफेक्टिव जो उनका स्कोर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ओ सॉरी श्रीलंका इज 65 रन 4 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, जो इफेक्टिव उनका कह सकते हैं कि रन जो अभी ऑन बोर्ड है। और यहाँ से अगर वो पूरा दिन कल का खेलते हैं तो 65 प्लस 250 यानी कि 325 रन्स हो जाएंगे, और लास्ट दिन 325 रन्स चेंज करना मामूली बात है नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए तो कुछ मामूली है भाई, न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड है और हम भी चीयर कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीत जाए। अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया सीधे सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहुँच जाएगा, फिर इंडिया हारे या जीते कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया जल्दी से तो चीज़ें और फंस जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे ड्रॉ होता है और श्रीलंका जीतती है उधर तो अगला मैच जो श्रीलंका का है वो डिसाइडर होगा। जी हाँ, वो प्योरली डिसाइडर होगा, क्योंकि अगर वहाँ भी श्रीलंका जीत जाती है तो इंडिया के सारे इरादे सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे एडिशन का फाइनल में पहुंच जाएगी श्रीलंका, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी पहुंच चुकी है इन 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद। तो मेरा तो यही मानना है, मेरी यही सोच है कि अगर रियलिस्टिक सिचुएशन देखी जाए तो इंडिया अभी भी 90% वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा, बट अगर बात इधर उधर हो जाती है तो दूसरी एशियन टीम तो खेलेगी कम से कम। जी हाँ, श्रीलंका भी एशियन टीम है, बट वी विल डेफिनेटली बी चीयरिंग फॉर न्यूजीलैंड। क्यों चीयर करेंगे, क्योंकि बात है देश की, बात है भारत की। जय हिंद, जय भारत।